Hi friends, please like, share and subscribe my YouTube channel. दोस्तों, आज आपके लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम है स्क्वायर वर्ग। वर्ग क्या है मित्रों, आइए आपको दिखाते हैं। इसमें एक आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, वो ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। सो लुक हियर प्लीज। वर्ग जिसको इन इंग्लिश स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर क्या है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से अगर गुणा किया जाता है तो गुणा करने पर जो गुणनफल होता है वो गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। सपोज कीजिए हमारे पास 1 है, 1 का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो 1 का स्क्वायर करने के लिए 1 स्क्वायर लिखेंगे, जिसको हम 1 × 1 लिखेंगे, और 1 × 1 करने पे 1 ही आएगा। दूसरा, जैसे अगर हमारे पास 3 है, उसका हम वर्ग निकालना चाहते हैं, तो 3 का वर्ग इक्वल लिखते हैं 3 की पावर 2 इक्वल लिखते हैं इसको 3 × 3 इक्वल, ये क्या हो जाता है मित्रों, 3 × 3 मीन्स 3 × 3 = 9। नेक्स्ट, 7 का वर्ग हम निकालना चाहते हैं, तो 7 के वर्ग को लिखते हैं 7 की पावर 2, 7 to the power 2 इक्वल 7 × 7 इक्वल क्या होता है मित्रों, 49। आइए मित्रों, ये तो है वर्ग। क्या होता है वर्ग आपको दिखाया गया, उसके कुछ उदाहरण आपको एग्जांपल्स बताएंगे। आइए मित्रों, हम देखते हैं पूर्णांकों का वर्ग क्या होता है। पूर्णांक क्या होते हैं आप जानते हैं, भली भांति जानते होंगे, पहले कक्षाओं में आप पढ़ भी चुके हैं। पूर्णांक मेनली 2 तरह का होता है, एक होता है या तो ऋण पूर्णांक, एक होता है या तो धन पूर्णांक। तो पूर्णांक, कोई भी हमारे पास पूर्णांक है, अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो हमें जो संख्या मिलती है वो हमेशा धनात्मक मिलती है। कोई भी पूर्णांक है, अगर उस संख्या का हम वर्ग करते हैं तो प्राप्त गुणनफल, प्राप्त संख्या जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। जैसे हमारे पास -1 है, उसका हम वर्ग निकालना चाहते हैं, तो -1 का जो वर्ग होगा वो 1 होगा, क्योंकि -1 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं -1 × -1 इक्वल ये हो जाएगा +1। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम -3 का वर्ग निकालना चाहते हैं, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3 होल टू द पावर 2 इक्वल -3 × -3, जिसका रिजल्ट क्या होगा, +9 अथवा 9। अतः यदि -1 कोई ऋण पूर्णांक है, हमारे पास अगर -1 कोई ऋण पूर्णांक है, तब इसका वर्ग क्या होगा मित्रों, -a × -a इक्वल क्या होता है, a² इस प्रकार मित्रों हम देख रहे हैं, हमारे पास चाहे कोई धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव संख्या मीन्स धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है, ऋण पूर्णांकों का वर्ग हमेशा धन पूर्णांक होता है। आइए मित्रों, आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, तो उसको इस ट्रिक से उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, आसानी से बिना गुणा किए हुए आसानी से इसका हम वर्ग निकालना सीख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है x5, जिसका इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक x है, तो हम क्या करते हैं, दहाई के अंक में 1 जोड़ देते हैं और उसमें उस दहाई के अंक से गुणा कर देते हैं, से जो 5 होता है, 5 होता है, उसका वर्ग मीन्स 25 लिख देते हैं, उसके आगे 25 लिख दिया जाता है। लाइक है, जैसे कोई संख्या है हमारे पास, मान लेते हैं 15 है, 15 का हमें वर्ग निकालना है, तो 15 के वर्ग को जैसे 1 का 1 1 में 1 ऐड कर देंगे, जिसको हम 2 लिखेंगे, और दहाई का अंक इसमें 1 है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, इस तरह 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, इस तरह 15 का स्क्वायर जो होगा 225 होगा। 25 का स्क्वायर हमें मान लेते हैं निकालना है, तो मित्रों 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और दहाई का अंक जो 2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, इस तरह 3 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलता है, और 5 का स्क्वायर मीन्स 25 हो जाएगा, इसके आगे इसको लिख देते हैं, इस तरह 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स.